तो अब अपन सवाल नंबर 11 कर रहे हैं। देखो सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11, निम्न में x का मान ज्ञात करो, मतलब हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। और सवाल नंबर 11 का पहला क्या है, cos x बराबर cos 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री गुणा sin 30 डिग्री। इस सवाल के अंदर हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस सवाल के अंदर हमें x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये सवाल करने से पहले आप मेरे को ये बताओ, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का। तो आप कहोगे बड़ा आसान है, ये रहा cos, ये रहा 30 डिग्री, दोनों देखो कहां पर मिल रहे हैं, रूट 3 बटा 2, मतलब cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2। ये मान हमारा इस सवाल के अंदर काम आएगा, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है रूट 3 बटा 2, ये ध्यान में रखना। अब देखो सवाल स्टार्ट करते हैं, तो cos x का cos x लिखना पड़ेगा, cos x का cos x लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x का कोई मान हमारे पास सारणी में नहीं है। cos x का cos x क्यों लिखा, क्योंकि x का कोई मान सारणी में नहीं है। बराबर का बराबर cos 60 डिग्री, ये रहा cos, ये रहा 60 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, 1 बटा 2 पर, मतलब cos 60 का मान हो गया 1 बटा 2, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का। फिर है cos 30 डिग्री, ये रहा cos, ये रहा 30 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, रूट 3 बटा 2 पर, मतलब cos 30 का मान हो गया रूट 3 बटा 2 प्लस का प्लस। फिर है sin 60 डिग्री, ये रहा sin, ये 60 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, रूट 3 बटा 2 पर, मतलब sin 60 का मान हो गया रूट 3 बटा 2, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का। फिर है sin 30 डिग्री, ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, 1 बटा 2 पर, मतलब साइन 30 का मान हो गया 1 बटा 2। तो मान रख लिया हमने। अब देखो cos x का cos x बराबर का बराबर, ऊपर वाले से गुणा होगा और नीचे वाला नीचे वाले से, तो 1 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट 3 ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वापस वही आता है, तो 1 को रूट 3 से गुणा किया रूट 3, और नीचे 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस का प्लस, यहां पर रूट 3 को 1 से गुणा किया रूट 3, और नीचे देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, इतना हो गया। अब आगे देखो cos x का cos x, लघुतम दिख रहा है, नीचे दोनों एक जैसे हो तो लघुतम कैसे लेते हैं, नीचे दोनों एक जैसे हो तो नीचे वाले को सेम टू सेम लिख दो, मतलब 4 का 4, और ऊपर वाले को भी सेम टू सेम, नीचे एक जैसे हो लघुतम ऐसे तो लेते हैं 4 का 4, और ऊपर वालों को सेम टू सेम, ऊपर क्या है रूट 3 प्लस रूट 3, तो ये आ गया रूट 3 प्लस रूट 3। अब देखो cos x का cos x, एक रूट 3 ये रहा, एक रूट 3 ये रहा, कितने हो गए 2 रूट 3, एक रूट 3 ये रहा, एक रूट 3 ये रहा, कितने हो गए 2 रूट 3 बटा 4, ये 2 से ये 4 कितनी बार कटा 2 बार, मतलब cos x बराबर कितना आया, ऊपर बचा रूट 3 और नीचे बचा 2। हमें x का मान निकालना है तो एकदम आसान है, देखो अब cos x का cos x रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2 किसका मान था cos 30, cos 30 किसके बराबर था रूट 3 बटा 2 के, तो हम रूट 3 बटा 2 की जगह क्या लिख देंगे cos 30। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि इस cos से ये cos कट हो जाए। देखो cos x का cos x लिखा, बराबर का बराबर, इस रूट 3 बटा 2 की जगह क्या लिख दिया cos 30, रूट 3 बटा 2 की जगह क्या लिख दिया cos 30, क्यों, ताकि cos से cos कट हो जाए। तो यहां पर क्या बचा x, और यहां पर क्या बचा 30 डिग्री, मतलब x बराबर कितना आया 30 डिग्री। आसान सा सवाल था, 11वें का पहला हो गया। अब अपन 11वें का दूसरा कर रहे हैं। अब सवाल नंबर 11 का दूसरा देखो, सवाल नंबर 11 के दूसरे में भी हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री गुणा cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री गुणा साइन 30 डिग्री। तो देखो साइन 2x का साइन 2x, साइन 2x का साइन 2x ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x का मान हमारे पास सारणी में नहीं है। तो साइन 2x का साइन 2x बराबर का बराबर कितना है साइन 60, ये रहा साइन, ये रहा 60, दोनों कहां पर मिल रहे हैं रूट 3 बटा 2 पर, मतलब साइन 60 का मान हो गया रूट 3 बटा 2, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का। आगे कौन है cos 30 डिग्री,
ये रहा कोस, ये रहा 30 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं, रूट तीन बटा दो पर, मतलब कोस 30 का मान हो गया रूट तीन बटा दो, माइनस का माइनस, फिर है कोस 60 डिग्री, ये रहा कोस, ये रहा 60 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बटा दो पर, मतलब कोस 60 का मान हो गया एक बटा दो, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का, फिर है साइन 30 डिग्री, ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बटा दो पर, मतलब साइन 30 का मान हो गया एक बटा दो। अब आगे देखो साइन 2x का, साइन 2x ऊपर वाले से गुणा होगा और नीचे वाला नीचे वाले से, तो रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो तीन, ये मैंने बताया रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो तीन, और नीचे वाले से तो दो को दो से गुणा किया चार, माइनस का माइनस, एक को एक से गुणा किया एक, और नीचे वाले दो को दो से गुणा किया चार, कितना हो गया। अब आगे देखो साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स नीचे दोनों एक जैसे है, यहां पर भी चार यहां पर भी चार, तो लघुत्तम कैसे लेंगे, जब नीचे दोनों एक जैसे हो तो नीचे वाले को सेम टू सेम, मतलब चार का चार, और ऊपर वाले को भी सेम टू सेम, ऊपर तीन माइनस एक है ना, तो ये रहा तीन माइनस एक, तो कितना आया साइन टू एक्स बराबर तीन माइनस एक कितना दो, बट्टे में चार का चार। अब देखो ये दो के पहाड़े से कितनी बार कटा एक बार, और चार दो के पहाड़े से कितनी बार कटा दो बार, दो दो के पहाड़े से एक बार और चार दो के पहाड़े से दो बार, मतलब साइन टू एक्स बराबर एक बटा दो। अब देखो एक बटा दो किसका मान होता है, एक बटा दो साइन 30 डिग्री का, ये बात हमें पता है ना कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है एक बट्टा दो, साइन 30 डिग्री, ये रहा साइन ये रहा 30, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बट्टा दो पर, मतलब साइन 30 का मान कितना होता है एक बट्टा दो। तो अब क्या करेंगे, जो हमने इसके पहले में किया था, एक बट्टा दो की जगह क्या लिख देंगे साइन 30, एक बट साइन 30 किसके बराबर, एक बटा दो के बराबर है ना, तो एक बटा दो की जगह क्या लिख देंगे साइन 30, तो इसे एक बटा दो की जगह लिख दिया साइन 30 डिग्री, क्यों किया, ताकि साइन से ये साइन कट हो जाए, तो यहां कितना बचा 2x और यहां पर कितना 30 डिग्री, जो भी x के गुणा में होता है वो कहां पर जाता है बट्टे में, तो x के गुणा में दो था तो दो बट्टे में जाएगा, तो x बराबर 30 डिग्री बटा दो, और 30 में दो का भाग दिया मतलब कितना आया 15 डिग्री, मतलब x का मान कितना आ गया 15 डिग्री। आसान सा सवाल था। अब अपने कर रहे हैं सवाल नंबर 11 का तीसरा। अब देखो सवाल नंबर 11 का तीसरा, तो देखो सवाल नंबर 11 के तीसरे में भी हमें x का मान ज्ञात करना है, तो एकदम आसान सा सवाल है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो तो रूट तीन का रूट तीन, टेन टू एक्स का टेन टू एक्स, टेन टू एक्स का टेन टू एक्स क्यों लिखा, क्योंकि x का मान हमारे पास सारणी में नहीं है, तो टेन टू एक्स का टेन टू एक्स बराबर का बराबर, यहाँ है साइन 30 डिग्री, तो ये रहा साइन ये रहा 30 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बटा दो पर, मतलब साइन 30 का मान हो गया एक बटा दो, प्लस का प्लस, फिर है साइन 45 डिग्री, ये रहा साइन ये रहा 45 डिग्री, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बटा रूट दो पर, मतलब साइन 45 का मान एक बटा रूट दो, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का, फिर है कोस 45, ये रहा कोस ये रहा 45, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक बटा रूट दो पर, मतलब कोस 45 का मान हुआ एक बटा रूट दो, प्लस का प्लस, दो का दो, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका निशान, गुणा का, फिर है साइन 90, ये रहा साइन ये रहा 90, दोनों कहां पर मिल रहे हैं एक पर, मतलब साइन 90 का मान हुआ एक। अब आगे देखो यहां पर भी चाहो तो गुणा का निशान लगा सकते हो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब यहां पर किसका निशान है, गुणा का, चाहो तो गुणा का निशान लगा दो, रूट तीन गुणा टेन टू एक्स बराबर का बराबर एक बटा दो का एक बटा दो, प्लस देखो यहां पर गुणा आ रहा है, ऊपर वाले से गुणा होगा नीचे वाले से, तो एक को एक से गुणा किया एक, और नीचे देखो रूट दो को रूट दो से गुणा किया दो, प्लस का प्लस, दो को एक से गुणा किया दो। अब देखो यहां पर आया रूट तीन गुणा टेन टू एक्स, अब देखो लघुतम लो तो लघुतम ले लो, वरना देखो एक बटा दो को हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, एक बटा दो को हम अपनी भाषा में बोलते हैं
आधा, एक बटा दो को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आधा। तो ये आधा और ये आधा, आधा प्लस आधा, देखो ये भी एक बटा दो मतलब ये भी आधा, ये भी एक बटा दो मतलब ये भी आधा, आधा प्लस आधा एक, आधा प्लस आधा कितना हो गया एक, प्लस दो का दो। आप चाहो तो सीधा कर लो और आप चाहो तो लघुतम दे लो, वो आपकी मर्जी है, मैं सीधा कर रहा हूं। एक बटा दो को आधा ही तो बोलते हैं, तो ये आधा और ये भी आधा, आधा और आधा कितना हो गया एक प्लस दो का दो। अब देखो रूट तीन गुणा टेन टू एक्स का, रूट तीन गुणा टेन टू एक्स, दो और एक कितने हुए तीन। अब जो भी एक्स वाई एक्स के गुणा में होता है वो कहां पर जाता है, बट्टे में। जो भी एक्स के गुणा में होता है वो कहां पर जाता है, बट्टे में। तो रूट तीन कहां जाएगा, तीन के बट्टे में, तो तीन के बट्टे में कौन आ गया रूट तीन। अब एक बात बताओ मेरे को, ये टेन टू एक्स का टेन टू एक्स, क्या मैं तीन को, जो तीन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट तीन गुणा रूट तीन, क्या मैं तीन को ऐसे लिख सकता हूं रूट तीन गुणा रूट तीन, क्योंकि रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा तीन, रूट तीन को रूट तीन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा तीन। तो इस तीन को मैं क्या लिख दूंगा रूट तीन गुणा रूट तीन, रूट तीन को रूट तीन से गुणा करते हैं तब तीन ही आता है ना, तो इस तीन की जगह मैंने क्या लिख दिया रूट तीन गुणा रूट तीन, और बट्टे में कौन है बट्टे में रूट तीन। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि इस नीचे वाले रूट तीन से एक ऊपर वाला रूट तीन कट हो जाए। देखो ये टेन टू एक्स का टेन टू एक्स बराबर में कितना है रूट तीन। अब बताओ रूट तीन किसका मान होता है, रूट तीन ग्यारह टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है रूट तीन। हमें पता है कि टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है रूट तीन, बाकी सवालों में किया था वैसा ही कर रहे हैं। तो टेन टू एक्स का टेन टू एक्स और इस रूट तीन की जगह क्या लिख देंगे टेन साठ डिग्री, क्योंकि टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है रूट तीन, तो रूट तीन की जगह लिख देंगे टेन साठ डिग्री। तो इस रूट तीन की जगह लिख दिया टेन साठ डिग्री, तो टेन से टेन कट हो गया, तो यहां पर कितना बचा दो एक्स और यहां पर साठ डिग्री। तो जो भी एक्स वाई जेड के गुणा में होता है वो कहां पर जाता है बट्टे में, तो दो कहां पर जाएगा साठ के बट्टे में। तो साठ में दो का भाग दिया तो कितना आया तीस, साठ में दो का भाग दिया तो कितना आया तीस, मतलब एक्स का मान कितना आ गया तीस डिग्री। आसान सा सवाल था एकदम ही। तो सवाल नंबर ग्यारह के तीनों हो गए, अब आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।